हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है दो जासूसों की कहानी से, मैक्स और मैरीन की। तो कहानी शुरू होती है 1942 से, मतलब वर्ल्ड वॉर टू का दौर है। मैक्स एक कैनेडियन RAF विंग कमांडर है और मैक्स मोरक्को देश में कैसब्लांका शहर के पास एक डेजर्ट में पैराशूट के सहारे उतरता है। उतरने के बाद थोड़ी दूर पर उसे एक गाड़ी लेने को आई होती है और मैक्स जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर उसका नकली पासपोर्ट और कुछ पेपर्स होते हैं, साथ ही कुछ हथियार और पैसे भी होते हैं। और गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा होता है वो बताता है कि आपकी पत्नी बैंगनी रंग की पोशाक पहने होगी और वो कहाँ पर बैठेगी वो भी वो उसे बताता है। दरअसल मैरिन नाम की मैक्स की एक नकली पत्नी है जो पहले से ही कैसब्लांका में रह रही है। हर जगह पर यही बात उसने फैला रखी है कि उसके पति आने वाले हैं और इसको उसका पति बनने का नाटक करना है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। और जर्मनी के अम्बेसडर को मारने का इनका प्लान है। इसी काम को अंजाम देने के लिए मैक्स यहाँ पर आया है। प्लान के मुताबिक वो गाड़ी मैक्स को उस होटल तक पहुँचा देती है जहाँ पर मैरिन है और मैक्स उस होटल के अंदर दाखिल हो जाता है और मैरिन कुछ बड़े लोगों के साथ वहाँ पर बैठी होती है, मैक्स का इंतज़ार कर रही होती है। उसने सबको बताया होता है कि उसके हस्बैंड आने वाले हैं जो कि पेरिस में हैं, लेकिन मैक्स और मैरिन ने एक दूसरे को इससे पहले कभी नहीं देखा। मैक्स मैरिन के पहनावे को देखकर पहचान जाता है कि यही मैरिन होगी और मैरिन भी मैक्स को देखकर समझ जाती है कि यही मैक्स है और वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश है एक दूसरे को और वो दोनों पति पत्नी हैं। अब मैरिन यहाँ पर पिछले कुछ समय से रह रही है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और उसकी दोस्ती यहाँ के कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ होती है और उस दोस्ती में सिर्फ इसीलिए है ताकि वो पार्टी में जा सके और जहाँ पर जर्मन एम्बेसडर आने वाला है। और फिर मैरिन मैक्स को सभी से मिलवाती है जिसके बाद वो दोनों भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ से निकलने के बाद दोनों ही एक दूसरे की एक्टिंग की तारीफ करते हैं और फिर दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद मैरिन मैक्स को कहती है कि तुम घर के अंदर नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ का रिवाज है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करने के बाद छत पर जाकर सोता है, इसलिए तुम्हें छत पर जाकर ही सोना होगा। और मैक्स को ये बात माननी पड़ती है तो वो वहीं पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद मैरिन भी छत पर आती है और वो उससे कहती है कि सब लोग हम ही को देख रहे हैं, हमें पति पत्नी की तरह एक्टिंग करनी चाहिए, हमें हंसना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो ताकि सबको यही लगे कि हम लोग पति पत्नी हैं। इस तरह मैक के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद मैरिन नीचे चली जाती है सोने के लिए और दूसरे दिन मैरिन मैक्स को कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाती है ताकि उनका नाटक अब और सफल हो सके। और मैक्स जब उन लोगों से बात कर रहा होता है तभी उसका ध्यान एक जर्मन ऑफिसर की तरफ जाता है जिसे देख के मैक्स उसे पहचान लेता है और उस ऑफिसर ने इससे पहले भी उससे मुलाकात कर ली थी तो वो उसे जानता था, तो मैक्स एक जासूस है। मैक्स थोड़ा सा घबरा जाता है और मैक्स को लगता है कि ये आदमी जर्मन ऑफिसर्स को कॉल करके यहाँ पर बुला लेगा और वो ऐसा ही करने जा रहा होता है कि मैक्स उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वो ऑफिसर कॉल करने की कोशिश करने लगता है तब मैक्स उसे मार देता है और बड़े ही आराम से बाहर आ जाता है। फिर से मैरिन और मैक्स वहाँ से चल पड़ते हैं। उसके बाद जब वो दोनों घर पे पहुँचते हैं तो मैक्स फिर से छत पर जाकर सोता है और मैरिन भी छत पर आती है और फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि देखने वालों को सच में लगे कि वो दोनों पति पत्नी हैं। और फिर मैरिन नीचे आ जाती है सोने के लिए। अगले दिन एक डेजर्ट में टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ में अपने प्लान के बारे में भी वो डिस्कस कर रहे होते हैं और वहाँ पर मैरिन मैक्स को बताती है कि वो लोग कल हायर बोर से मिलने जाएंगे और ये वही आदमी है जो इन लोगों को पार्टी का पास देने वाला है जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर आने वाला है। और इसके बाद ये दोनों ही हेरबोर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही हेरबोर मैक्स को देखता है वो देखता है कि मैरिन इससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति पार्टी में आना चाहते हैं। और ये सुनते ही मैरिन कहती है कि इसे पोकर खेलने का बहुत पसंद है, ये पोकर खेलने जाना चाहते थे लेकिन मैं जिद करके इन्हें पार्टी में ले जा रही हूँ। ये वर्ल्ड वॉर टू का दौर होता है, हेरबर को सब पे शक होता है। इसके बाद ताश के पत्ते निकालता है और मैक्स को कहता है मैं भी पोकर का शौकीन हूँ, क्यों ना एक एक हाथ हो जाए, अगर आप जीत गए तो आपको इस पार्टी में आने की जरूरत नहीं लेकिन अगर आप हार गए तो आपको अपनी पत्नी की बात माननी पड़ेगी और इस पार्टी में आना पड़ेगा। इसके बाद वो मैक्स को पत्ते बांटने को कहता है।
अब यहाँ पर टेंशन भरा माहौल हो जाता है क्योंकि मैरीन ने तो बोल दिया कि मैक्स को पोकर बहुत पसंद है, पर मैरीन को ये नहीं पता कि मैक्स को तो पोकर खेलना भी नहीं आता। लेकिन मैक्स एक बहुत ही शातिर जासूस है। मैक्स जैसे ही पत्तों को हाथ में लेता है तो उन्हें इस तरह से हिलाता है जिससे ये दिखे कि जैसे उसे पत्तों को हाथ में लेते ही उसे सब आता है। अब यहाँ पर वो आदमी पोकर में माहिर है। अब इसके बाद मैक्स इस तरह पत्तों को बांटता है जिससे वो हार जाए और पार्टी में आ सके, और ऐसा ही होता है। मैक्स हार जाता है और मैक्स पार्टी में आ सकता है। अब इसके बाद जर्मन ऑफिसर खुश होकर उसे पार्टी में पास दे देता है और अगले दिन इसे इस काम को अंजाम देना होता है। और इसके पास आज का ही दिन होता है। वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं डेजर्ट में, और वहाँ पर मैरीन मैक्स से कहती है कि मैं नहीं जानती कि कल के मिशन में हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं, और इसीलिए मैं आज का दिन पूरी तरह से जीना चाहती हूँ, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते कल इनके साथ क्या होगा। और दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक हो रही थी। उन्हें बताया गया था कि गन्स टेबल के नीचे मिलेंगी और वो दोनों तैयार थे, और तभी वहाँ जर्मन एम्बेसडर आ जाता है और अचानक से उस हॉल के बाहर ब्लास्ट हो जाता है। सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। इस बात का फायदा उठाकर मैरीन और मैक्स जर्मन एम्बेसडर पर हमला कर देते हैं, उनको गोलियों से भून देते हैं, लेकिन इसी के साथ उन दोनों पर भी हमला होने लगता है। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से भागने लगते हैं। जब ये दोनों गाड़ी में भाग रहे होते हैं तब मैक्स मैरीन को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ इंग्लैंड आओगी, और मैरीन हाँ कहती है। और अगले सीन में मैक्स और मैरीन लंदन पहुँच चुके हैं और उन दोनों ने शादी कर ली है। उन दोनों की लाइफ ऐसे हंसी खुशी बीतने लगती है, और कुछ दिनों के बाद मैरीन प्रेग्नेंट हो जाती है। जिस दिन मैरीन की डिलीवरी होने वाली होती है उस दिन भी वॉर हो रही होती है, चारों तरफ गोली बमबारी हो रही होती है और लाशों के ढेर होते हैं, और उसी माहौल में मैरीन अपने बेटी को जन्म देती है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे से गुजर रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी ज़िंदगी जितनी अच्छी और खुशहाल है उतनी आगे चलकर ख़राब होने वाली है। धीरे धीरे उनकी बेटी 1 साल की हो जाती है। तब मैक्स को एक कॉल आ जाता है। उसे ऑफिसर ने मैक्स को अपने सीनियर से एक खुफिया जगह पर बुलाते हैं, और वहाँ पर मैक्स को ये बात बताई जाती है कि जितनी भी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जितनी भी सूचनाएं आपके डेस्क पर होती हैं, सारी की सारी सूचना यहाँ से बाहर जा रही है, यानी कोई है जो ये आपको खबरी है और वो इन सारी सूचनाओं को दुश्मनों तक पहुँचा रहा है, और हमें आपकी बीवी पर शक है, हमें लगता है आपकी बीवी जर्मन जासूस है। और ये सुनने के बाद मैक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो ऑफिसर उसे समझाते हैं कि बस हमें शक है, इस चीज़ की पुष्टि करनी है, हमें तभी पता चलेगा कि आखिर वो कौन है जो सारी सूचनाएं और जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रही है। तो ब्रुका में पकड़े गए एक जर्मन अधिकारी ने बताया है कि मई 1941 में मैरीन को गिरफ्तार करके मार दिया गया था, और उसकी जगह उसकी जैसी दिखने वाली जर्मन जासूस को क्यासा भेजा गया था। वहाँ पर असली मैरीन को नहीं जाना था, जर्मन एम्बेसडर बनकर उसने हिटलर खुद मारना चाहता था। इस तरीके से असली मैरीन ने नकली को बदल दिया गया था। और फिर वो बताता है कि कल रात ठीक 11:07 पर हम तुम्हें कॉल करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें सूचना देंगे, उस सूचना को लिखकर अपने घर में कहीं भी छोड़ देना, वो सूचना झूठी होगी, तुम्हारे अलावा वो सूचना किसी के पास भी नहीं होगी, अगर फिर भी वो सूचना देश के बाहर चली जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी वाइफ ही जासूस है, और अगर सच में मरीन एक जर्मन जासूस निकली तो उसे 72 घंटे तक कस्टडी में लेकर उसके हैंडलर की पहचान करनी होगी, और बाद में उसे तुम्हें मारना होगा, और अगर तुम भी मरीन के साथ मिले हुए हो तो ऐसा पता चलते ही तुम्हें भी राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। मैक्स को जांच करने की जानकारी और अपने हाथों में लेना मना है, और मैक्स न चाहते हुए भी इसे मानना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इन सब के बाद मैक्स के लिए सारी चीज़ें बदल गई थी, और अब वो घर चला जाता है। उसके घर पहुंचने के बाद ठीक 11:07 पर उसे कॉल आता है और वो सूचना मिल जाती है, और उसे वो एक पेपर पर लिखकर वहीं छोड़ देता है, और उस सूचना लिखने के बाद वो और भी परेशान हो जाता है। और उसके बाद मैक्स सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी एक जासूस है, ये इस बात का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद मैक्स उस आदमी के पास जाता है जो पहले मैरीन के साथ काम करता था, उसे पता है मैरीन कैसी दिखती है, और मैक्स इस बात की पुष्टि करना चाहता है
क्या उसकी वाइफ मरीन है या कोई और है, और उसका नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है। और मैक्स उस आदमी के पास पहुंच जाता है, उसका नाम है गेल सेमेस्टर। वो आदमी बुरी तरह से घायल होता है और वो भी व्हील चेयर पर बैठा होता है। अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैक्स को बताता है। मैक्स ने ही उसे एक जगह भेजा था जिसके उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन थोड़े समय के बाद मैक्स अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या इसे देखकर तुम बता सकते हो कि यही मरीन है जिसे तुम्हारे साथ काम किया था। जवाब में वो आदमी कहता है कि मेरी एक आंख में गोली लग चुकी थी और दूसरी आंख का रेटिना अलग हो चुका है, मैं कुछ भी सही से नहीं देख सकता। उसके बाद मैक्स और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो जाने लगता है, तब सैंगस्टर उसे एक आदमी का नाम बताता है, पॉल डेलमोर, जो मरीन को पहचानने में मदद कर सकता है। और ये सूचना के बाद मैक्स सीधा ही एयरफोर्स वालों के पास चला जाता है, क्योंकि एयरफोर्स का ग्रुप सीधे उसी जगह पे उसके घर आ रहा होता है जहाँ पर उन्हें पॉल डेलमोर मिल चुका है। और फिर उससे पूछने के बाद उस प्लेन ने पायलट हंटर को मरीन की तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर के पीछे लिख देता है, पहचानो क्या यही है मरीन जिसके साथ तुमने काम किया था। और इसके बाद उसको वो तस्वीर देके कहता है कि इसे सिर्फ पॉल डेलमोर के पास ही पहुंचाना, और उसके बाद जब वो तस्वीर देख ले तो उसका जवाब मुझे ला कर देना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज मैक्स के घर पर एक छोटी सी पार्टी होने वाली है। और फिर मैक्स के घर पर पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर सारे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मैक्स बहुत ही उदास है। एक छोटी सी गलती और उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, और मैक्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और तभी उस पार्टी में मैक्स का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो मैक्स को डांटने लगता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें सारी बात पता होने के बाद भी सैंगस्टर के पास गए, तुमने मरीन के बारे में पूछताछ की, और उसके बाद तुमने एक एयरफोर्स पायलट को पॉल डेलमोर से मिलने को भेजा जहां पर हंटर मार दिया गया है। यानी कि मैक्स ने जिस आदमी को तस्वीर देकर भेजा था उसे मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद मैक्स और भी दुखी हो जाता है और उसके बाद फिर से पार्टी में घूमने लगता है जहां उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो मरीन से बात कर रहा है और वो इस जगह का नहीं लग रहा होता। उसके बाद जब मैक्स मरीन से उस आदमी के बारे में पूछता है तो मरीन कहती है कि उस आदमी की एक ज्वेलरी की शॉप है और वहीं से वो मुझे जानता है। ये बात सुनकर मैक्स को उस पर और भी शक होने लगता है क्योंकि वो आदमी देखने में बिल्कुल भी ज्वेलरी शॉप का ओनर नहीं लग रहा था। और मैक्स उस आदमी का पीछा करने लगता है, उससे पूछने के लिए जाने वाला होता है कि वहाँ मरीन आ जाती है और वहाँ से मैक्स को लेकर चली जाती है। और तभी वहाँ पर हवाई हमला हो जाता है और मैक्स के पास एक ही रास्ता है सच जानने का, वो खुद पॉल डेलमोर से बात करने के लिए जाए। और मैक्स ऐसा ही करता है और वो प्लेन ले लेता है और अपने साथ कुछ लोगों को भी ले लेता है और उस जगह के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस समय हर जगह लड़ाई का माहौल है क्योंकि ये समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड का है। लेकिन फिर भी मैक्स इन खतरों से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना है। और थोड़ा समय के बाद मैक्स उस जगह पे पहुंच जाता है, तब मैक्स को पता चलता है कि उस आदमी को पुलिस वालों ने जेल में बंद कर रखा है क्योंकि वो नशेड़ी है और उसने नशे की हालत में बहुत सारे गंदे काम किए हैं। और उसके बाद मैक्स उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उसके बाद वहां के पुलिस ऑफिसर्स पर गन तान देता है, अपने आदमियों को कहता है कि तुम इसे ऐसे ही रोक के रखो और मैं पॉल डेलमोर से बात करता हूं। उसके बाद वो पॉल डेलमोर से बात करने लगता है लेकिन वो इतने नशे में होता है कि वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं होता। पहले वो तस्वीर देकर कहता है कि हाँ यही मरीन है, उसके बाद मैक्स उसे डिफाइन करने को कहता है तो वो कहता है कि उसकी आंखें भूरी हैं। तब मैक्स कहता है कि बेवकूफ़, इसकी आंखें नीली हैं। इसके बाद मैक्स समझ जाता है कि आदमी बिल्कुल भी होश में नहीं है और ये इस तस्वीर को नहीं पहचान पा रहा, इसलिए वो उसे मरीन के बारे में पूछने लगता है कि मरीन के बारे में तुम क्या जानते हो, जो कुछ भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ। तभी उस पुलिस स्टेशन के पास ऑफिसर्स आ जाते हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और तभी मरीन की बात करते हुए वो बताता है, मरीन बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है। मैक्स पूछता है कैसा पियानो, तो वो आदमी बताता है कि मरीन ने एक बार पियानो पर फ्रांस का नेशनल एंथम बजाया था, वो उस नेशनल एंथम को बड़े प्यार से बजाती है। और ये इंफॉर्मेशन मैक्स के लिए काफ़ी थी ये पुष्टि करने के लिए कि क्या उसकी वाइफ मरीन है या कोई और। लेकिन तभी उस पुलिस स्टेशन पर पेट्रोलिंग वाले पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, उनके बाद वो दरवाजे के पास आकर यहाँ से ऑफिसर से सिगरेट मांगते हैं। जब इंचार्ज उन्हें सिगरेट देने लगता है
वो अपनी भाषा में उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग घुस आए हैं और वो सारे लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चलने लगती है और मैक्स उन लोगों को मारता है। उसके बाद मैक्स अपने घर आ जाता है। मरीन को कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो मरीन को लेकर एक कैफ़े में आ जाता है। वहाँ पर एक पियानो होता है और वो मरीन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस पियानो को बजाओ, फ्रांस का नेशनल एंथम जो तुमने जर्मन्स के लिए बजाया था। और अब ये सुनकर मरीन को पता चल जाता है कि मैक्स को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो मैक्स को सारी सच्चाई बताती है कि वो मरीन नहीं है। मरीन एक बहुत ही बहादुर औरत थी और इसे लगा जर्मन्स इसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे ढूंढ लिया। और इसके बाद उसे धमकी दी कि अगर इसने उन लोगों का काम नहीं किया तो इसकी बच्ची को मार देंगे। इसे पड़ोस में एक औरत रहती है जो इनके बच्चे का ख्याल रखती है। जब भी ये लोग घर से बाहर आ जाते हैं तो वो औरत उन लोगों से मिलने वाली होती है। अगर ये उनका कहना नहीं मानती तो कब का इनकी बच्ची को मार चुके होते। और ये बात बताने के बाद मरीन रो पड़ती है। तब मैक्स कहता है कि क्या तुमने वो सूचना भी भेज दी जो मैंने टेबल पर लिखकर छोड़ी थी? और मरीन हाँ कहती है। और अब ये सुनकर मैक्स परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने वो मैसेज भेज दिया, अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा कि तुम ही खबरी हो। तब मैरीन कहती है कि मुझे तुमसे कासाब्लांका में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हारी हंसी में और खुशी में ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने हमारी बच्ची को मारने की धमकी दी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। मैक्स इस बात को समझता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद मैक्स उस औरत के घर जाता है जो इन्हीं के पड़ोस में रहती थी और इनकी बेटी की देखभाल किया करती थी। मैक्स सबसे पहले उस औरत को मारता है और फिर उस आदमी को मारता है जो उस दिन पार्टी में आया हुआ था, अपने आप को ज्वेलरी शॉप का ओनर बता रहा था। और उसके बाद वो मरीन और उसकी बेटी को लेकर एयरफोर्स बेस तक पहुंच जाता है, जहां से वो मरीन को वहां से दूर लेकर जाना चाहता था। यहां पर मैक्स प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मरीन अभी भी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठी थी। मैक्स के सीनियर को इस बात का पता चलता है कि मैक्स की वाइफ एक खबरी है और इस एयरफोर्स में पहुंच गई है। मैक्स का सीनियर भी पहुंच जाता है और मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को गिरफ्तार करना चाहता हूं क्योंकि तुम लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ को ब्लैकमेल किया जा रहा था और जितने भी लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे तो मैक्स ने उन सभी को मार दिया है। लेकिन वो ऑफिसर मैक्स की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। जो और इन दोनों की बातों को सारी बातें मैरीन सुन रही थी गाड़ी में बैठी हुई। उसके बाद वो अपने धीरे से मैरीन अपनी बेटी को कार की सीट पर सुला देती है और मैरीन बाहर आकर अपने आप को गोली मार लेती है, क्योंकि मैरीन जानती थी कि यहाँ पर एक ही रास्ता है जिससे उसका परिवार बच सकता है, मैक्स और उसकी बेटी बच सकती थी और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे। और मैरीन भी ऐसा मरते देख मैक्स पूरी तरह से टूट जाता है और तभी वहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है। तब मैक्स का सीनियर उन्हें बताता है कि जैसे ही मैक्स को पता चला कि उसकी वाइफ गद्दार है, मैक्स ने उसे गोली मार दी और सब लोग रिपोर्ट में यही लिखते हैं, मैक्स ने दुश्मन जासूस को गोली मार दी। और बाद में हमें मैक्स की बेटी दिखाते हैं जो वहीं पर होती है और अब वो बड़ी हो चुकी है और मैक्स उसके साथ बहुत खुश है। और इसी तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।